नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज अपन कथन निष्कर्ष पढ़ने जा रहे हैं। तो कथन निष्कर्ष पढ़ने से पहले मैं इसके कुछ नियम सिखा देता हूं आपको। मैं आपको केवल तीन नियम सिखाता हूं और तीन नियम के आधार पर आप कथन निष्कर्ष का कैसा भी सवाल हो आप आराम से जवाब दे सकते हो। देखिए, इसमें मैं आपको नियम सिखाता हूँ। जब भी आपके सामने कथन निष्कर्ष का सवाल दे रखा हो, इसमें सबसे पहला नियम होता है सभी का नियम। सबसे पहला नियम है सभी का। देखिए, सभी का नियम कैसा होगा। देखिए दोस्तों, जब आपके सामने सभी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, तो इस ऊपर का डायग्राम कैसे बनाना और कैसे आंसर देना है। मान लीजिए, एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। जैसे कथन में दिया गया है सभी ए बी है, सभी ए बी है। मान लीजिए आपके सामने ऐसा सवाल दिया जाए कि सभी ए बी है, तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा। इसका निष्कर्ष देखिए, सबसे पहले अपन छोटे छोटे उदाहरण लेते हैं। उदाहरण समझ में आने के बाद अपन बड़े सवाल करेंगे। सभी ए बी है, इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसका एक डायग्राम तैयार करते हैं। देखिए, सभी से संबंधित कोई भी सवाल, उसका डायग्राम कैसे बनेगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सभी ए बी है, यानी जितने भी ए है वो क्या है, बी। देखिए दोस्तों, आपको सभी से संबंधित कोई भी सवाल पूछा जाए तो डायग्राम कैसा बनेगा। सबसे पहले अपन को यहाँ पर ये इस ए का डायग्राम, ए का डायग्राम तैयार करना। सभी ए वो क्या है, बी, यानी ए के ऊपर इस बी का डायग्राम बन जाए इस प्रकार। देखिए वापस, कथन है सभी ए बी है। जब अपने सामने सभी से संबंधित कोई भी सवाल हो, अपन को इस प्रकार का डायग्राम तैयार करना है। सभी ए बी है, सबसे पहले ए का डायग्राम बने और ए के ऊपर बन जाएगा बी का। देखिए, इसका नियम ऐसा होता है कि नीचे से ऊपर की ओर अपन जाएंगे तो अपन को लिखना पड़ेगा सभी सभी सभी। देखिए, जो ही अपन इसका निष्कर्ष निकालेंगे, देखिए नीचे क्या दिखाई दे रहा है आपको, नीचे ए दिखाई दे रहा है और ए के ऊपर कौन है, बी। तो अपना निष्कर्ष होगा सभी ए बी है। तो अपना पहला निष्कर्ष होगा सभी ए बी, यानी नीचे से ऊपर की ओर आपको लिखना सभी, और अब आपको क्या करना, ऊपर से नीचे की ओर। देखिए, ऊपर ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है, बी। तो बी से आप नीचे, यानी ऊपर बी है, नीचे कौन है, ए। तो ऊपर से नीचे की ओर आप आओगे तो आपको लिखना पड़ेगा कुछ। तो दूसरा अपना निष्कर्ष होगा कुछ बी ए है। देखिए, जब भी आपके सामने सभी का सवाल आ जाए और उसका अपन को निष्कर्ष निकालना है, तो इस प्रकार का डायग्राम, सभी से संबंधित कितना भी बड़ा सवाल हो, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा और तीसरे के ऊपर चौथा, यानी आपको इस प्रकार का डायग्राम तैयार करना है। और देखिए, नीचे नीचे कौन है, ए, और ए के ऊपर कौन है, बी। तो सभी ए बी है, नीचे से ऊपर की ओर आपको सभी लिखना पड़ेगा। सभी ए वो क्या है, बी। देखिए, सभी ए बी है, उसके बाद में ऊपर से नीचे की ओर आना पड़ेगा। देखिए, ऊपर कौन है, बी, तो कुछ बी ए है। तो अपना यहां पर देखिए, सभी ए बी है और कुछ बी ए है। देखिए, नियम नंबर दो देखते हैं। दूसरा नियम होता है कुछ का। दूसरा नियम है आपके कुछ का, यानी कुछ से संबंधित आपसे कुछ सवाल पूछा जाए तो डायग्राम कैसे बनेगा। देखिए, मान लीजिए आपको यहां पर कथन दिया है, वही उदाहरण लेते हैं अपन ए बी का। कुछ ए बी है, कुछ क्या है, ए बी। इस प्रकार का आपको सवाल पूछा है कि कुछ ए बी है, तो इसका डायग्राम बनाना। सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना आप सीख गए तो आपका आंसर हमेशा सही होगा। देखिए, सबसे पहले आपको इस ए का डायग्राम, यानी ए का कुछ भाग वो क्या है, बी है। इस प्रकार सवाल में स्पष्ट दे रखा, यहां पर देखिए, कुछ ए बी है, यानी ए का कुछ भाग क्या है, बी है। अब अपन को इसका निष्कर्ष निकालना है। देखिए, निष्कर्ष कैसे निकाला जाएगा, हमेशा ध्यान रखना है, कुछ का निष्कर्ष हमेशा कुछ ही होगा। देखिए, अपन क्या करेंगे, ए से बी की ओर जाते हैं, तो अपन क्या लिखेंगे,
कुछ ए बी हैं, तो अपना पहला निष्कर्ष हो जाएगा कुछ ए बी है। उसके बाद में आप क्या करोगे, बी से ए की ओर वापस आओगे तो भी आपको क्या लिखना, कुछ लिखना, तो कुछ बी ए है। तो दूसरा निष्कर्ष हो जाएगा कुछ बी ए है। हमेशा ध्यान रखना है कुछ का निष्कर्ष हमेशा कुछ ही होगा। देखिए सवाल देर का है, कुछ ए बी है, कुछ क्या है ए बी, तो सबसे पहले ए का डायग्राम और ए का कुछ भाग वो बी हो जाएगा, यानी आपका डायग्राम सही है तो आपका आंसर अपना सही हो जाएगा। देखिए कुछ ए बी है और कुछ बी है, ये इसका निष्कर्ष निकलेगा। अब अपन पढ़ते हैं नियम नंबर तीन। तीसरा नियम होगा कोई नहीं है, तीसरा नियम है कोई नहीं है, कोई नहीं। अब देखिए जब कोई नहीं है से संबंधित आपको सवाल दिया जाए तो देखिए यहां पर कथन जैसे कोई ए बी नहीं, ऐसा अपने सामने सवाल बनता है और इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा। देखिए दोस्तों एक बार और बताना चाहता हूं मैं आपको, जब भी कथन निष्कर्ष का आपके सामने सवाल हो आपको सबसे पहले उसका डायग्राम बनाना सीखना है। यदि आपका डायग्राम सही होगा तो आपका आंसर अपना सही हो जाएगा। देखिए सबसे पहले कोई ए बी नहीं है, कथन से स्पष्ट पता चल रहा है कि कोई ए बी नहीं है, यानी दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। यह बनेगा इस ए का डायग्राम और यह बनेगा बी का। देखिए कोई ए बी नहीं है, जब दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं होगा तो डायग्राम आपका अलग अलग बनेगा, यानी यहां पर ए बनेगा और यहां पर क्या बन जाएगा बी, यानी दोनों अलग अलग डायग्राम बनेंगे। अब इसका अपन आंसर कैसे, अपन क्या करेंगे, ए से बी की ओर जाएंगे तो क्या लिखेंगे, क्योंकि दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, अपना यह कथन कैसा है नकारात्मक, यहां पर नहीं लगा इसका मतलब नकारात्मक, तो कोई ए बी नहीं है और कोई बी ए नहीं है। सबसे पहले ए से बी की ओर जाते अपन क्या लिखते हैं, कोई ए बी नहीं, यानी नकारात्मक का आंसर हमेशा नकारात्मक ही होगा। फिर बी से ए की ओर आते हैं तो अपन क्या लिखेंगे, कोई बी ए नहीं है, तो अपना पहला निष्कर्ष होगा कोई ए बी नहीं है। दूसरा कोई बी ए नहीं है। देखिए सबसे पहला नियम था सभी का, देखिए सबसे पहला नियम था सभी का, जब आपको सभी से संबंधित सवाल पूछा जाए तो आपको एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, इस प्रकार आपको डायग्राम बनाने हैं। ये नियम नंबर एक था। उसके बाद में दूसरा नियम अपन ने पढ़ा था, वो है कुछ का नियम। दूसरा नियम क्या था, कुछ का, जब आपके सामने कुछ का सवाल दिया जाए तो आपको डायग्राम कैसे बनाना, ये मान लीजिए इसका ये कुछ भाग भी इस प्रकार, कुछ का मतलब कुछ हिस्सा, तो कुछ से संबंधित जो भी सवाल पूछा जाएगा आपका इस प्रकार का डायग्राम बन जाएगा। और आपसे पूछा जाए कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है से संबंधित आपसे सवाल पूछा जाए तो यानी कि दोनों के बीच में या तीनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, डायग्राम बनेगा आपका अलग अलग। और दो लाइन में आपको सकारात्मक और नकारात्मक की बताना चाहता हूं, देखिए कैसे, यानी सकारात्मक निष्कर्ष क्या होता है या सकारात्मक कथन क्या होता है और नकारात्मक कथन क्या होता है। देखिए जब कथन सकारात्मक हो, जब कथन सकारात्मक हो तो उसका निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा, अर्थात यानी जब कथन कैसा हो, जब कथन सकारात्मक हो तो उसका निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा, अर्थात उसका नकारात्मक
निष्कर्ष अर्थात उसका नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। देखिए जब कथन सकारात्मक हो तो उसका निष्कर्ष भी क्या होगा, सकारात्मक, यानी सकारात्मक का निष्कर्ष हमेशा सकारात्मक होगा, यानी उसका अपन नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। नियम नंबर दो, जब कथन, जब कथन नकारात्मक हो तो उसका निष्कर्ष भी नकारात्मक होगा। अर्थात सकारात्मक अर्थात उसका सकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। देखिए दोनों नियम को आप आराम से समझिए। जब कथन सकारात्मक हो तो उसका निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा, यानी आपको जब कथन सकारात्मक दिया जाए तो उसका नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलेगा, यानी सकारात्मक का निष्कर्ष भी क्या होगा, सकारात्मक। और जब कथन कैसा हो, नकारात्मक, जब कथन नकारात्मक हो तो उसका निष्कर्ष भी क्या होगा, नकारात्मक, उसका निष्कर्ष भी क्या होगा, नकारात्मक, यानी कथन